जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेजरमेंट पार्ट थ्री। मेजरमेंट सबके लिए है। पार्ट थ्री में हम लोग आज याद करने वाला नहीं है, आज आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन यह उसी के लिए है जिसका पार्ट वन और पार्ट टू पूरा क्लियर हो, यानी एक एक पॉइंट उसको यदि याद है, ठीक है, तो उसके लिए है। यदि आपका पार्ट वन पार्ट टू क्लियर नहीं है तो पार्ट थ्री में नहीं आइए, कचरा मत कीजिए अपने ब्रेन को, ठीक है। पार्ट वन पार्ट टू का एक एक पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, उसमें तो याद ही करने वाला है मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम तो याद ही करना है, टोटल फॉर्मूला ही है। और इस फॉर्मूला का यूज आप 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में 11 12th या होल लाइफ, ठीक है, होल लाइफ आपको करना है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्रैक्टिस करना है, पहला क्वेश्चन हम आपको डाल दिए, दिखाई दे रहा है, पेंसिल लाइट आ रहा है क्या नीचे, फिर यही क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है आपका राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स, इसमें कौन ट्रू है या कौन फॉल्स है। आप जो लिखते होइएगा इसी टाइप से लिखते हैं या इसमें कोई चेंज करते हैं, इसका पॉइंट आपको हम बता दिए थे कि यूनिट्स को कैसे लिखा जाना है, क्या क्या गलती हम लोग करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम है कि आप, क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आप पहले अपने से बना लीजिए कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ठीक। उसके बाद यहां आके मिलाइएगा कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, क्योंकि हमको तो बताना है। मान लीजिए कि आप बना लिए, ठीक है, पॉज कर दिए हुए हैं, आप बना लिए, अब इसको मिला रहे हैं, ठीक। अब हम आपको बताते हैं क्या सही है या क्या गलत है। अब देखिए, जैसे मास 7 kg है, मास क्या है 7 kg है, यह ट्रू है या फॉल्स है, बोलिए यह ट्रू है या फॉल्स है। यह फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, आप कहिएगा मास तो किलोग्राम में होता ही है, सही बात है, मास किलोग्राम में होता है, लेकिन यहां हम लिखे हैं कैसे 7 kg, केजी में के कैपिटल लिख दिए हैं, इसलिए यह गलत है, हो गया फॉल्स। सेकेंड में आइए, लेंथ 80 मीटर, गलत है, क्यों, क्योंकि एम जो हम लिखे हैं वह कैपिटल में लिख दिए हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। आप सारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लास्ट में आंसर में लिखिएगा, यूनिट नहीं लिखिएगा फिर भी गलत, यूनिट लिखिएगा सही तरीका से नहीं लिखिएगा फिर भी गलत, समझे। टाइम 30 सेकेंड्स, ठीक है, यहां पर 30 सेकेंड एस लिखे हैं ना, कैपिटल में लिख दिए ना, गलत हो गया, आप समझ गए बात, यानी 1 2 3 तीनों फॉल्स है, गलती नहीं कीजिएगा। अब आ जाइए फोर में, मास 9 kg, मास 9 kg, अब तो सही है क्या, स्मॉल के लिखे हैं ना, अब तो सही है, नहीं सही है, नहीं सही है, काहे नहीं सही है, क्योंकि उसके बाद हम लोग डॉट डाल दिए हैं, केजी के बाद फुल स्टॉप डाल दिए हैं, इसलिए यह गलत है। आप सब कुछ कर लीजिएगा, नंबर आएगा लड्डू,
उसी प्रकार से लेंथ 75 मीटर, यहाँ तक कैपिटल लेटर लिखे थे, यहाँ स्मॉल लेटर लिख दिए हैं, यह सही है? नहीं सही है। क्यों? क्या यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए? फुल स्टॉप डाल दिए। उसी प्रकार से टाइम 20 सेकेंड, वहां कैपिटल में लिखे थे, यहाँ स्मॉल में लिख दिए, लेकिन यहाँ डॉट डाल दिए, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत। यानी 1 से लेकर 6 तक टोटल आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। मास 20 किलोग्राम्स, मास कितना है? 20 किलोग्राम्स। वहां पर मास क्या लिखे थे? 9 किलोग्राम। यहां तक फुल स्टॉप हटा दिए, फुल स्टॉप हटा दिए ना? नहीं, लेकिन यहां हम क्या लगा दिए? इसमें एस लगा दिए, किलोग्राम्स। प्लुरल फॉर्म में नहीं होगा यहां, इसलिए ये भी गलत है। लेंथ 70 मीटर्स, ये भी गलत है क्योंकि एस लगा दिए। टाइम 25 सेकेंड्स, एस एस लगा लिखे है ना, माने सेकेंड्स एस लगा दिए प्लुरल फॉर्म में, ये भी गलत है। यानी 1 to 9 टोटल गलत है, जबकि फर्स्ट केस में आप देखिएगा, आपको तो लगेगा ठीक है, मास 7 किलोग्राम है, ठीक है, लेंथ 80 मीटर है, ठीक है, क्या गलती है? लेंथ मीटर में होता है। फिर कहिएगा भाई कैपिटल है, थोड़ा सा और ज्ञान आएगा तो कैपिटल है, ठीक है, स्मॉल में है, ठीक है। फिर कहिएगा उसके साथ एस लगा देते हैं, सारा का सारा गलत है। अब इससे अंदाज करो कि कितना गलती करता है लोग, हम और आप कितना गलती करते हैं, ठीक है। जब इतना शार्प किसी चीज पर ध्यान दीजिएगा, तब आपके लिए आईआईटी या नीट या सीए, क्लैट या यूपीएससी, बीपीएससी आपके लिए होगा, अन्यथा आप उससे बहुत बहुत दूर हैं। ठीक, मान लीजिए अभी दूर है, अब धीरे धीरे नजदीक होना शुरू कीजिए, तो अभी से नजदीक होना शुरू कीजिएगा, तब ना आपके पास हुआ आएगा या आप उसके पास जाइएगा। क्या, कहां तक आ गए हम लोग? 9 तक। अब आ जाइए 10 में। 10 कह रहा है कि मास 20 किलोग्राम। अब देखो स्मॉल लेटर भी लिए नहीं, इसको क्यों गलती किए थे? क्योंकि कैपिटल लेटर ले लिए थे, इसलिए गलत हो गया। तो हम स्मॉल लेटर ले लिया। उसके बाद दूसरा नंबर क्यों गलती हुआ था? क्योंकि यहां फुल स्टॉप डाल दिए थे, इसलिए इसमें फुल स्टॉप नहीं डाले। अब तो सही हो जाना चाहिए, नहीं। तीसरा में, तीसरा में यहां किलोग्राम एस ले लिए थे, इसलिए गलत हो गया था, इसमें हम एस नहीं डाले। अब तो सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी दिक्कत है, यह भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो नंबर है और ये जो यूनिट है, इसके बीच में जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, ये लगातार हम सटा के लिखे हुए हैं, देख रहे हैं 20 kg, यह गलत है। ठीक है, उसी प्रकार से 20 मीटर्स, एक तो मीटर्स लिख दिए वो गलत है, एस हटा दो, सीधा हम मीटर लिखे मान लो। अब सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा भी जगह आपने नहीं छोड़ा। ठीक, इसी का यूज जब हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, नहीं तो वहां भी वही है, अलग अलग एलिमेंट है, एक साथ लिख दीजिएगा तो काम खत्म, इसलिए वहां ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब आइए टाइम 30 सेकेंड्स, यहां फुल स्टॉप दे दिया, हटाओ, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है। अब समझ गए, इस सारा का सारा गलत है। सही क्या है, इसी को यदि हमको लिखना होगा तो सही क्या है? अब समझ गए क्या कि 30, आप जैसे टाइम लिखे 30 सेकेंड, तो अच्छा वो हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि ट्रू और फॉल्स, नहीं, पहला क्वेश्चन हुआ ट्रू और फॉल्स। अब हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सारा देखो वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन यहां हम लिख दिए हैं
राइट ट्रू स्टेटमेंट्स, यह जो गलत है इससे पहला वाला में आप बताए थे कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, टोटल का टोटल गलत था, अब आपको उसको सही करना है, ठीक है। तो पहले आप सही कर लीजिए, उसके बाद ना मिलाइएगा क्या। तो मान लीजिए आप सही कर लिए, अब उसको मिला रहे हैं, ठीक, मास 7 kg गलत है, इसका सही क्या होगा, 7 थोड़ा सा स्पेस स्मॉल के और जी, 7 kg, ठीक। उसी प्रकार से आप सबको कर लीजिएगा, जैसे लेंथ 80 मीटर है तो 80 ठीक है, कैपिटल एम नहीं होगा, स्मॉल एम होगा और थोड़ा सा दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होगा। 30 सेकेंड, 30 और क्या स्मॉल एस, 9 kg ठीक है, क्या होगा 9 स्पेस के जी, फुल स्टॉप हट गया। इस प्रकार से अब आप सबको सही कर लीजिएगा, बन जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिए यह है क्वेश्चन आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर। क्वेश्चन में तो इसमें से कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा, अब बनाना है आपको किसमें, एसआई यूनिट में लाना है, तो आप पहले ही उसको चेंज कीजिएगा, ठीक। तो आपको दिए हम यहां 6 cm, इसीलिए कहते थे पूरा याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट को याद रखिए, उसमें से किसी एक को छोड़ दीजिएगा, ये खाना नहीं ना है, भात दाल सब्जी पापड़ दही अचार क्या मिठाई सब चीज रखा हुआ, एक चीज नहीं भी खाइएगा तो काम चल जाएगा। मैथ साइंस में ऐसा नहीं होता है, कोई एक सीढ़ी कोई एक पार्ट कहीं गड़बड़ होगा, आगे जाके आपको हर समय संभल के रहिए, कब गिरिएगा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। 6 cm किसमें चेंज करना है, मीटर में, आपको पता है कि 1 meter इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, पता है 100 cm, यानी 100 cm बराबर कितना 1 meter, तो 1 cm बराबर कितना 1/100, 6 cm बराबर कितना 6/100, नहीं तो 0.006 या 6 × 10⁻², क्या जैसे मान लिया हम एक बताते हैं आपको, उसी प्रकार से आप सबको ले जाइएगा, जैसे पहला क्वेश्चन हमको बनाना है 6 cm को मीटर में चेंज करना, 6 cm को मीटर में चेंज करना, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला तो है कि 1 meter इज इक्वल टू 100 cm, ठीक, इसका मतलब 100 cm इज इक्वल टू 1 m, इसका मतलब 1 cm इज इक्वल टू कितना 1/100 m, आपको कितना cm का निकालना है 6 cm, इसीलिए 6 cm बराबर 6/100 m, ये क्या हो गया 0.06, नहीं हो गया 0.06 meter, इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.06 meter, इसको यदि आप 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ले जाते हैं, 10 के पावर के फॉर्म में ले जाते हैं तो क्या लिखिएगा, ये डेसिमल को हमको यहां लाना है, लाना ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका मतलब डेसिमल को हम यहां लाएंगे तो यह कैसे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो 10 से डिवाइड भी करना होगा, तब जाकर क्लियर होगा क्या। इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.6 × 10⁻¹ क्या -1, नहीं लिख सकते हैं, या और देखिए एक स्टेप और देखिए, इसको डेसिमल आपको यहां से इस प्लेस पर लाना है, यानी एक डिजिट आगे बढ़ाना है, ठीक, एक डिजिट आगे बढ़ाना है, आप क्या किए इंटू 10 कर दिए, अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं,
10 से आप मल्टीप्लाई किए तो 10 से डिवाइड भी करना होगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दिए, ठीक, तो ऊपर वाला क्या हो गया 0.6 मीटर, अब भाई कितना है 10, अब 10 को तो हम ऊपर ले जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या लिखेंगे 0.6, और 10 जो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या आ जाएगा -1, यदि मान लो यहाँ 100 रहता तो ऊपर में जाता तो क्या हो जाता 10 का पावर -2, 1000 रहता ठीक तो ऊपर में जाता तो क्या हो जाता 10 का पावर -3, अब समझ गया बात, यानी ये आपका हुआ सही फॉर्म, 6 cm इज इक्वल टू 0.6 × 10⁻¹ मीटर, अब समझ गया बात, ये हम एक बता रहे हैं, इस प्रकार से सबको बनाना है ठीक। एक और बता दें, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लेते हैं 1 बता दिए, अब हम आ जाते हैं 5 में ठीक। जीगा तो 1 जीगा मीटर, 1 जीगा मीटर बराबर क्या याद किए होइएगा, देखो याद करना पढ़ना सब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, सबके पास किताब है, सबको स्कूल जाना है, चाहे वो सरकार का चाहे प्राइवेट का, सबको घर में पढ़ाने वाला है, चाहे मम्मी चाहे होम ट्यूटर, सबके पास कोचिंग है ठीक। अब तो सबको यूट्यूब भी सिखा दिया, एक ही टॉपिक के लिए तुम्हारे पास लाखों वीडियो है, लाखों तरीका से समझ सकता है, हर सब्जेक्ट का है, कुछ भी खोजो मिल जाता है। उसी प्रकार से देव कह क्या रहे थे, है तो सब कुछ सब पढ़ता है, अब मेन बात है कि तुम्हारे ब्रेन में कितना रहता है, एक बात ब्रेन में कि जैसे मान लीजिए 100% पढ़े, इसमें से कितना परसेंट हमारे पास रहा, एक बात, दूसरी बात वह कितना दिन टिका, ये भी तो बात है, रात में पढ़े सवेरे एग्जाम में उगले या बात खत्म, वहां से और तो उसके बाद कुछ आता पता नहीं है ठीक। तो ये सब चीजें पहले तो आप बार बार पढ़ो, उसका प्रैक्टिस करो, तो आपको उसमें से 50%, 60%, 70%, 80% आएगा ठीक। अब है कि वो आपके पास कितना दिन रहेगा, जैसे तुम गौर से देखेगा इस बात पर सोचना कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बाबा के पास जो मेमोरी पावर होगा, तुम्हारे बाबा को यदि मान लीजिए तुम्हारा उनका एज होगा 80 बरस 70 बरस, उनको जितना चीज याद होगा 70 साल का, उतना तुम्हारे पापा को याद नहीं होगा, और जितना तुम्हारे पापा को याद होगा उतना तुमको याद नहीं रहेगा ठीक। अब कहेगा ऐसा क्यों, उनका एज ज्यादा है इसीलिए याद रहता है, या उसके बाद वाला है तो उनको याद रहता है, या उसके बाद वाला है उनको उससे भी कम याद रहता है, तो इसके पीछे खाली तुम्हारी ही गलती नहीं है, मेरी ही गलती नहीं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी मान के चलो, जितना तुम्हारे बाबा या मेरे बाबा दूध पी लिए ठीक है, उतना हम लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिलता, हमारा जो शरीर बना तो इसी इन्वायरमेंट के तत्व से न बना हुआ है भाई, उसका रिलेशन तो इसी से न है, वो लकड़ी पर का खाना खाते थे, वो मिट्टी के बर्तन का खाना खाते थे, हम लोग हैंडुलियम एल्युमिनियम का खाना खाते हैं, हम लोग गैस पर का खाना खाते हैं, जितना भी खाना है वो कोई शुद्ध नहीं है, तुम सवेरे से शाम तक देख लो कोई एगो शुद्ध माने चीज खोज के हमको दिखा दो, बहुत शुद्ध कहेगा हम दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं कहेगा ना, वो गाय को जो चारा मिलता है वो कोनो घास खा लेती है, कितना परसेंट गाय घास खा रही है अभी, चर रही है तब दूध दे रही है, तो उसको जो खाना मिलता है उसमें भी मिलावट है, उसको इंजेक्शन पड़ता है उसमें भी मिलावट है, हमको सबसे अच्छा शुद्ध बुझाया दूध गाय का दूध एकदम देसी गाय का दूध वो भी आए तो उसमें भी दिक्कत है, वो तो याद कितना दिन तक रहेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा प्योर चीज लेते हैं,
सांसें लेते हैं तो कितना हम लोग इस शहर में प्योर सांस ले रहे हैं। ठीक, यहां से चलो इस चौक पर तो मान लीजिए कुछ परसेंट तक सही रहेगा, चले जाओ तू अगला बीच बाजार में, देख लो कितना परसेंट ऑक्सीजन तुमको मिल रहा है। सब चीज याददाश्त उस पर डिपेंड करता है, तब इसके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन जितना आप ले सके, जितना कम से कम यूज कर सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सामान का यूज कर सकें, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पिछला जो चीज है उस पर डिपेंडेंट रहिए। अब सर दर्द है तो जाकर के दवा खा लेते हैं, ठीक, आयुर्वेद पर तो ध्यान नहीं देने जाते हैं, तुरंत इंग्लिश मेडिसिन पर, हर चीज में, खाना पीना रहना लाइफस्टाइल भी, थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है आज का बच्चा, नहीं करेगा, तुरंत आकर फैन ऑन कर देगा, कूलर ऑन कर देगा, एसी ऑन कर देगा, नहीं तो वो तो खराबी करना है। तो सब चीज मिला करके इस पर डिपेंड करता है कि यह कितना दिन तक टिका के रखेगा। तुम्हारे बाबा को बहुत याद रहता है, ठीक बात, वो उतना सुविधा भोगी नहीं थे जितना कि आप हैं, एक बात, वो उतना मेहनत किए, आप उतना मेहनत भी नहीं कर पाते, ठीक। चलिए दूसरा चीज में चले गए, 1 गीगामीटर, ठीक, 1 गीगामीटर बराबर कितना, 10^6, कितना, 10^6 मीटर होता है, यहां पर कितना गीगामीटर है, 6 गीगामीटर, तो क्या हो गया, 6 × 10^6 कितना, 6 मीटर, ठीक। इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरा चीज में, क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग इनटू ग्राम, ठीक है, इसको किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, जिस प्रकार से उसको बताए थे उसी प्रकार से इसको भी डेसिमल के फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लाना है। 7 मिलीग्राम बताने की जरूरत नहीं है अब, क्या, 8 हेक्टोग्राम, 6 किलोग्राम, 80 क्विंटल्स, 2 टन्स, 7 मैट्रिक टन्स, ठीक है। उसके बाद इसको सेकेंड में चेंज करना है, 5 को, 50 मिनट, 6 आवर्स, 2 डेज, 5 ईयर्स, सब लगा दो, क्या, तो यूनिट हम यहाँ नहीं नहीं लिख रहे हैं, यहाँ तो चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, 7 डिकेड्स, ठीक, अब बन जाएगा। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो गया, जय माँ बंगला मुखी।